Namaskar, you're watching Sunset TV and I'm Sheetal Rajput. With me is Nav Vikram Singh, and the P20 Parliamentary Representatives Summit has closed in the capital, and consensus having been arrived at most of the core, all the core areas, in fact, and to discuss the deliberations, the outcome of the summit with us, there is an esteemed panel. With me is Snehlata Srivastav, former Secretary General Lok Sabha. Also, here in the studio, I'm joined by Dr. Sheetal Sharma from the JNU. And we're also joined by Arvind Gupta ji from VIF. Dr. Sheetal, beginning with you, what do you make out of what all has been arrived at today? Sheetal, we now move from talk to walk. I would say that once we have finished whatever was decided during G20 summit as well as P20 summit, now we have to look into the fact that how do we bring all this, what has been decided in spirit, in letter, in everyday life or in practical sense. So all those things, the four pillars of sustainability, women-led development, energy crisis, and peace and prosperity, whatever has been the agenda for P20, which is derived from G20 summit, of course, how do we bring that in everyday life? How do we convert these visions, these broad goals into policies? And then how these policies are implemented. So now it's up to the state machinery, up to the particular country, nations, that how do they implement all this? There's and how do they actually bring about some real change which would be visible in the coming years? So this is something very interesting. It's, and this is the starting point, I would say. It's not end, but it's the beginning of the new phase of actually bringing out concrete results from what has been discussed. We will be discussing the challenges in implementation point-wise. But Nav Vikram, let's inform our viewers about what all happened today. P20 Sansadiya Sammelan ka samapan ho gaya hai. सम्मेलन के समापन में मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी प्रतिनिधियों का आभार जताया. उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से साझा घोषणा पत्र स्वीकार किए जाने से P20 की प्रक्रिया मजबूत हुई है. G20 देशों के प्रतिनिधिगण, आमंत्रित देशों के प्रतिनिधिगण P20 सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी के लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूं. एक्सलेंसीज, दो दिनों की सार्थक चर्चा के बाद अब हम भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत नई दिल्ली P20 शिखर सम्मेलन के समापन पर आ गए हैं. मैं इस अवसर पर एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसदें विषय पर P20 शिखर सम्मेलन की सफलता के योगदान के लिए आपका और आपके प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं. P20 सम्मेलन में संयुक्त वक्तव्य के एडॉप्शन में P20 की प्रक्रिया और मजबूत हुई है. मुझे विश्वास है कि जिन विषयों को हमने लिया है, SDG, हरित ऊर्जा, महिला नेतृत्व वाले विकास, डिजिटल, सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चारों सत्रों में आपने बहुत बहुमूल्य सुझाव और अपने अनुभव और अपने इनपुट को साझा किया है. निश्चित रूप से इन चारों विषयों के को हमने मानव केंद्रित विषयों को रखा है और आने वाले समय में इससे जो G20 पर चर्चा हुई है, इन मानव केंद्रित विकास को हम P20 सम्मेलन को आगे लेकर जाएंगे और इन विषयों पर अपनी अपनी संसदों में सार्थक चर्चा और संवाद करेंगे.
पिछले दो दिनों के दौरान हुए विचार विमर्श ने G20 के संसदीय आयाम और P20 के संसदीय आयाम के महत्व को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है और ये स्थापित भी किया है कि किस प्रकार हमारी संसदें एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी संसदों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कई सदस्यों ने विचार विमर्श के लिए चयनित विकास से हटकर महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों का भी उल्लेख किया है। मुझे हाल ही की जियो पॉलिटिकल घटनाएं और कई उसमें आर्थिक मुद्दे भी हैं। कई देशों के प्रतिनिधियों ने पश्चिम एशिया मध्य पूर्व की स्थिति का भी उल्लेख किया है। कुछ सदस्यों ने बहुपक्षवाद को मजबूत करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और सप्लाई चेन के रेजिलियंस की आवश्यकता का भी उल्लेख किया है। मैंने इन उल्लेखों को ध्यान से सुना है। आज के इंटर कनेक्टेड विश्व में हम किसी मुद्दे को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। हम माननीय प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सभी अतिरिक्त उल्लेखों और सुझावों का स्वागत करते हैं और हमने उन सुझावों को नोट भी किया है। इसलिए हमने सहमत संयुक्त वक्तियों के पैरा 27 में इस बात का उल्लेख भी किया है। मैं पैरा 27 का कुछ विषय, कुछ बिंदु आपके ध्यान में डालना चाहता हूं। हम संघर्षों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति, समृद्धि और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक रूप में प्रासंगिक मंचों पर संसदीय राजनय और परस्पर संवाद जारी रखेंगे। हम आने वाले समय में अपने पूर्ण एजेंडा और अपनी साझी प्रतिबद्धताओं को P20, G20 और उससे भी आगे बढ़ने के संकल्प को पुनः दोहराते हैं। जनपति के रूप में हम संसद सदस्य इस विशेष स्थिति में हैं कि हम जनता की आशाओं, आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक नीतियां और कानून का निर्माण कर सके। हमारी भूमिका सरकार के प्रयासों के पूरक के रूप में तथा जन कल्याण के उद्देश्य से सुशासन सुनिश्चित करने में हमारी संसदों का और संसद सदस्यों का विशेष रूप से योगदान है। एक्सेलेंसी, आपकी मेजबानी करना मेरे और मेरी टीम के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। मुझे आशा है कि भारत में आपका प्रवास सुखद और सफल रहा होगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप अपने प्रवास के दौरान भारत के समृद्ध इतिहास, बहुरंगी संस्कृति का भी आनंद लें और उन स्थान का भी भ्रमण करें। मैं आपका पुनः भारत आगमन पर स्वागत करने तथा जन कल्याण के विषयों पर आपने जो चर्चा की, संवाद किया, जो बहुमूल्य बातें आपने की, हम सब उसको लेकर आगे चलेंगे और अपनी अपनी संसदों के अंदर जन कल्याण का काम निरंतर इसी गति से करते रहेंगे। मैं इस अवसर पर ब्राजील और उनकी टीम, जिनको G20 की अध्यक्षता मिली है, मैं उनको भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनकी सफलता की कामना करता हूं। अब मैं ब्राजील के चैंबर ऑफ डिप्टीज के अध्यक्ष माननीय आर्थर सीजर परेरा डी से अनुरोध करूंगा कि वह यहां पर आए और अपने बहुमूल्य विचारों को व्यक्त करें और मैं ब्राजील की अध्यक्षता के लिए उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
That was the Honorable Speaker, Shri Om Birla, making concluding remarks. Commitment for concerted effort, consents arrived at. Let's try and understand from Madam Snehlata Srivastav, former Secretary General, Lok Sabha. Madam Srivastava, how will this now be taken forward in the parliaments of the respective member states? Ma'am, kindly unmute yourself. Yes, please. Now, जो joint statement जिसमें सभी जो member parliament 20 के members speakers हैं, उन्होंने सहमति दी है. उस joint statement के अनुसार जो कार्यवाही हर parliament में होनी है, उसकी रूपरेखा वो तैयार करेंगे. और उसके अनुसार यदि किसी कानून की आवश्यकता है तो वो कानून एग्जीक्यूटिव से कहेंगे कि उसको पार्लियामेंट में लेकर आए और उस पे चर्चा करके जो भी वाजिब उनके देश की आवश्यकताओं के हिसाब से होगा उसे वो पारित करेंगे. और उसके अनुसार जो एग्जीक्यूटिव है, जो G20 कंट्रीज हैं, वो उस पर उसको अमल में लाएंगे. और उसके अलावा भी जो जनता की अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, जैसा कि माननीय स्पीकर श्री ओम बिरला जी ने कहा, उनको भी पूरा करने के लिए वो समय समय पर इसकी समीक्षा करते रहेंगे पार्लियामेंट्स. और अगली बैठक के पहले जो भी एक्शन रिपोर्ट है उसको ध्यान में लेते हुए अगली बैठक जो ब्राज़ील को दी गई है उसमें रखेंगे. राइट मैम. जी मैम, स्नेहलता जी, एक सवाल मैं आपसे एक और इसी से जुड़ा हुआ पूछना चाहूँगा कि अगर हम बात करें जो संसद पिछले दो दिन में संसदीय बैठक में जो मंथन हुआ है, वो विश्व की अगर वैश्विक रूप में सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति में कितना मददगार साबित हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि जो पार्लियामेंट है वो एक तरह से वॉचडॉग का काम करती है हर नेशन में, हर कंट्री में. तो जो एग्जीक्यूटिव काम करते हैं वो जो पार्टी पावर में रहती है उसके वो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से काम करती हैं. और उन प्रायोरिटीज में जो ये विश्व से जुड़ी हुई समस्याएं और जिनको की रिजोल्यूशन करने की आवश्यकता है, जो जो प्लैनेट को एक रहने योग्य और आगे भविष्य की जनरेशन के लिए एक खूबसूरत उपग्रह को बनाएंगी, उसके लिए उनके उनके हितों को वो ध्यान में रखकर अपने अपने देश की जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट है उससे काम करा सकेंगी. और जो उनकी कमेटीज होती हैं, हर पार्लियामेंट में पार्लियामेंट कमेटीज हैं और वो हर विभाग के लिए होती हैं. तो जो इन 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और जो ये 4 सब्जेक्ट यहाँ लिए गए वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का पार्ट है, तो उसमें वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनकी समीक्षा जब करेंगी तो उस पर वो सवाल जवाब कर सकती हैं और उसको एक दिशा दे सकती हैं. तो इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण है पार्लियामेंट 20 का की भूमिका. Right, ma'am. Let's now go across to Shri Arvind Gupta. Arvind ji, the real challenge now is the implementation. We understood the process from Madam Snehlata, but implementation is a problem considering the situation that we have, two major situations actually that we have in the world, in one in Ukraine and another one in Israel right now, something that found mention in the joint statement and in the final declaration also. इम्प्लीमेंटेशन का चैलेंज जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इतना आसान नहीं होगा. जैसे कि P20 के समय वेस्ट एशिया में बहुत बड़ा एक टेररिज्म का एक किस्सा हुआ और उसके ऊपर अब एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी चल रहा है, और इसमें P20 में इस बात की भी चर्चा हुई, कुछ लोगों ने चर्चा की जैसे कि स्पीकर साहब ने कहा. तो इस समय वैश्विक स्थिति इतनी जटिल है कि किसी भी मुद्दे को इम्प्लीमेंट करना एक सचमुच में एक बहुत बड़ा चैलेंज है.
और दूसरा, अगर हम एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को एक तरफ करते हुए मान लीजिए एसडीजी की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, अभी पिछले ही दिनों में एक यूएन समिट हुआ है एसडीजी के ऊपर सितंबर महीने में, और उसमें ये कहा गया कि बहुत बड़ा एक फंडिंग गैप है और केवल 12% एसडीजीज अभी तक इम्प्लीमेंट हुए हैं। इनफैक्ट ये कोविड की वजह से और ये दूसरी जो बड़ी जटिलताएं इस समय विश्व में हैं उसके कारण कुछ एसडीजी गोल्स में रिग्रेशन भी हुआ है, वी हैव रिग्रेस्ड आल्सो। सो द चैलेंज ऑफ फंडिंग द एसडीजीज गोल्स इज रियली ह्यूज, एंड देर इज लॉट ऑफ डिस्कशन इन G20 एंड ऑल्सो इन P20 एज टू हाउ टू मोबिलाइज द रिसोर्सेज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसडीजीज, एंड दिस हैज टू बी ए जॉइंट कोलेबरेटिव एफर्ट। सो द रोल विच वी P20 एंड द पार्लियामेंट्स कैन प्ले इज दैट दे आर वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशंस इन एवरी कंट्री, एंड दे कैन रेज देयर वॉइसेस एंड दे कैन प्रेशराइज द एग्जीक्यूटिव्स टू डू द नेसेसरी मेजर्स, वेदर इट इज लेजिस्लेटिव मेजर्स और एग्जीक्यूटिव मेजर्स। So it's going to be a very difficult challenge. It's not going to be very easy. पवन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे यशोभूमि से। रुक करते हैं हम यशोभूमि का। पवन, मैं आपसे पहला सवाल यही पूछना चाहूँगा कि दोनों जो हम बात करें यशोभूमि की या संसद में उनकी विजिट की, जो विजिट हुई है, जो संसदीय प्रमुख विभिन्न देशों से आए हुए हैं, एक तरह से ऐतिहासिक है। उन्होंने एक तरफ जहां विचार मंथन किया, वहीं भारतीय सांस्कृतिक विरासत की झलक भी देखी। तो किस तरीके की खुशी और किस तरीके का उत्साह हमारे मेहमानों के बीच में देख रहे हैं आप? नवविक्रम, जैसा हमने देखा कल भी जब सब लोग जो स्पीकर्स आए थे या डिप्टी स्पीकर्स आए थे जब पार्लियामेंट में थे, तो सभी जो वहाँ जो लाइटिंग और जो भारतीय संस्कृति की झलक थी जो संसद में है, अब हमारी संसद में, तो एक एक चीज़ को उसके बारे में जानकारी चाह रहे थे। तो जो भारत की सोच है, जो वसुधैव कुटुंबकम के बारे में तो सोचती है, विश्व का कल्याण तो सोचती है, पर जो भारतीय संस्कृति है और भारतीय परंपरा है, चाहे भारतीय वेशभूषा भी हो, उन्होंने सारे जो स्पीकर्स थे और डिप्टी स्पीकर थे उनको प्रभावित किया है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी अलीला रिवेरा जो मैक्सिकन सीनेट की जो प्रेजिडेंट हैं, उनका हमने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किया संसद टीवी ने, उन्होंने आज भारतीय प्रधान परिधान पहना हुआ था और बहुत खुश नज़र आ रही थी। मैंने भी उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि बहुत खुश हूँ मैं और आई एम फीलिंग कंफर्टेबल इन दिस। तो ऐसी उनकी तरफ से आ रही, और वही रिवेरा हैं ये जिनको जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांध चुकी हैं और जो जो है इसी कारण सारे मीडिया की हाईलाइट बन गई हैं अब। तो उनका ये कहना था कि, और अंत में उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंत में ये भी कहा कि फ्रॉम हर्ट मैं जो अपने दिल से हार्ट से जो है शुक्रिया अदा करती हूँ भारत का कि इतनी विविध संस्कृति के बावजूद भी इतनी अच्छी मेहमानवाजी भारत के लोग करते हैं। तो ये एक मैक्सिकन जो वहाँ की प्रेजिडेंट हैं सीनेट की, उनकी सोच है, ऐसी ही सोच सबकी हमें दिखी। बड़ी खुशी से उन्होंने मीडिया से भी सभी बात करे थे, बहुत अच्छी तरह से देखो तो भारतीय जो संस्कृति है उसने भी गहरा प्रभाव डाला है। बल्कि हर जो भी कल हमने तस्वीरों में भी देखा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ जो भी मिल रहा था वो ज़रूर पूछ रहा था कि वो जो संसद का उनको दिख रहा था वहाँ पर लाइटिंग दिख रही थी और बाकी चीज़ों की जानकारी वो लगातार लेना चाह रहे थे। तो ये भारत की जो वर्षों पुरानी संस्कृति है उसकी जो छाप है वसुधैव कुटुंबकम के रूप में, वो संस्कृति वो भी हमें देखने को मिली है। जहाँ तक आज की बात करूँ मैं, विशेष बात अगर मैं कहूँ, क्योंकि G20 की कवरेज भी लोकसभा संसद टीवी जो है लगातार कर रहा था और वहाँ भी बहुत सारे लोगों से बातचीत की थी, तो वहाँ भी जो डेक्लरेशन आया था, न्यू दिल्ली लीडर्स डेक्लरेशन आया था, वो भी एक दिन पहले आ गया था, उसके ऊपर आम सहमति बनी थी, मीडिया की चर्चा में वो आया था। और इस बार भी अगर हम P20 की बात करें तो यहाँ पे भी जो डेक्लरेशन आया है, जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है, वो भी एक दिन पहले उस पर सहमति बन गई। तो ये बड़े टेक अवेज हैं। तो हम कह सकते हैं कि G20 की तरह P20 का जो ये स्पीकर समिट हुआ, ये भी सफल आयोजन रहा है
और यहाँ पे एक विशेष बात है क्योंकि सारी सारी चीज़ों पे जो चार मेन सेशन रखे गए थे, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो, चाहे वो क्लीन और ग्रीन एनर्जी की बात हो, चाहे वो जेंडर इक्वालिटी की बात हो, वीमेन एंड एम्पावरमेंट की बात हो, और चाहे ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उनके थ्रू जो लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है उसकी बात हो, तो वो तो बिल्कुल जॉइंट स्टेटमेंट में है ही। इसके साथ ही ब्राज़ील की तरफ से ये ज़रूर कहा गया कि जो हम सभी जिस पे चर्चा भी कर रहे हैं, तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं उनको भी संसदों को चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि विश्व की जो जितनी पार्लियामेंट्स हैं वहीं पे बजट पास होता है, जो लॉ मेकर्स हैं वो वहीं पे अपनी बातें रखते हैं और वहीं से कानून बनता है सभी देशों के लिए, चाहे हम G20 देशों की बात करें, चाहे दुनिया की जो भी संसदें उनकी बात करें, तो वहाँ पर जब ऐसी चीज़ें होती तो जियोपॉलिटिकल चीज़ों को भी, उनका साफ इशारा मिडल ईस्ट की तरफ था, इसराइल की तरफ था और रूस यूक्रेन की तरफ था, वो भी डिस्कस किया जाना चाहिए P20 समिट्स में, ये कहना था। और उसको जो है लोकसभा अध्यक्ष ने, जो कि चेयरमैन भी थे इस P20 समिट के, उन्होंने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा और जो उनके विचार है उनको हम शामिल कर दिया गया। तो कुल मिला के बहुत सफल आयोजन और यशोभूमि में, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा सेंटर है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए और विदेशी मीडिया भी यहाँ था और बाकी लोग तो थे ही, तो कुल मिला के सफल आयोजन और एक गहरी छाप सभी जितने भी इसमें 25 स्पीकर्स आए थे नवविक्रम और 12 डिप्टी स्पीकर्स थे, उसके साथ MPs भी बहुत सारे थे, कुल मिला के 50 से ज़्यादा जो डिग्निटरीज पहुँचे हुए थे भारत में, सभी के ऊपर गहरी छाप जो है वो एक पार्लियामेंट के रूप में भी और एक भारतीय परंपरा संस्कृति भी गहरी छाप, वही जो थीम था कि पार्लियामेंट फॉर वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर के लिए जो बात है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात है, वो जो नैरेटिव है भारत की तरफ से वो अच्छी तरह से G20 के माध्यम से भी गया और P20 के माध्यम से भी वो पूरे विश्व में जा रहा है। राइट, बट टेकिंग दिस फॉरवर्ड, व्हाट ऑल पवन जस्ट मेंशन, डॉक्टर शीतल, द प्राइम मिनिस्टर्स पर्सनल कनेक्ट, वी सॉ द राखी थिंग इन द मॉर्निंग और इन ऑल पेपर्स, एंड देन यू नो इंडियन हॉस्पिटैलिटी, आ कल्चर, अतिथि देवो भव, द कल्चर ऑफ अतिथि देवो भव, सो ऑल दीज रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, फॉर देम दिस इज समथिंग अनफॉरगेटेबल दैट दे विल कैरी बैक होम। Chital, there is very interesting dimension to it, and I'll speak as a sociologist right now. We have to see that what's there in Indian culture which is unique, which stands out very clearly and which attracts everybody all over the world. Wo aisa kya hai hamare andar? Number one is that the vibrancy of our culture. Vibrancy, it's so colorful, it's so vibrant, it's so warm, whether this is dressing, food, whatever you can call, you know, any aspect of it. And the other aspect of this vibrancy comes from the fact that we are multicultural in nature. And the existence of all these cultures has never ever been in conflict with one another, but it's like a fusion, like a hybrid culture. Jo hum Ganga Jamuni tehzeeb ke bhi baat karte hain. So even if it is food, we may have thousands of types of food, but there is a very good sync between all these foods, these dresses, the way we present ourselves, dance, music, whatever, every element of culture, the tangible aspect of culture. Now what? When you feel this culture, and this is where I'm going to bring something very interesting, that the Western template is more like an individual-centric template. Mm. It's individual orientation versus the collective orientation of our society. Mm. So, Bharat mein samudaya ki, samuh ki, samaj ki jo visheshta hai, it takes you into your arms. Aap dil khol ke, haath khol ke kisi ka swagat karte hain. And the warmth it generates is something which is very interesting and it gets reflected in Atithi Devo Bhava. Which is unmatched actually. Which is unmatched. And this is why whosoever visits India, whosoever has experienced Indian hospitality, they never ever forget it. Even if it is 20 years later down the line, they'll remember something or the other. The outcome of this kind of hospitality is that it generates a sense of comfort and trust with the other. Absolutely. They no longer consider us to be another, but then a kind of trust that whatever you talk about, there is a feeling of sohard, just say cooperate, collaborate. And even if you have to do business with each absolutely. Other, you know, there has to be a fundamental trust. Absolutely. Which this kind of behavior, yes. This kind of reception that they received extends. Yes, Vikram, main isme aapko ek baat aur add karna chahungi ki dekhiye, world over kuch stereotypes hain about somebody's business template, somebody's acumen, किसी की rationality के बारे में बात करते हैं, किसी की technology के बारे में बात करते हैं. India का क्या stereotype है? India का ये stereotype है कि आप ये हम trustworthy हैं, हम वो लोग हैं those who are not going to stab you in your back.
तो अगर आप हमारे साथ कोई संबंध बनाते हैं तो वो संबंध जो है वो विश्वास के आधार पे बनता है, वो संबंध निरंतरता के आधार पे बनता है, देयर इज अ कंटिन्यूटी टू इट. इट्स नॉट कि आपका इंटरेस्ट निकला और अब एब्रप्टली आप उसको एंड कर सकते हैं. तो वो ट्रस्ट जो है, तभी जो अभी आपके प्रवक्ता बता रहे थे कि G20 दोनों में जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन है वो एक दिन पहले आ गया. ये क्यों आ गया? ये उस ट्रस्ट को बताता है. एंड वर्ल्ड ओवर कंट्रीज आर फेसिंग ट्रस्ट डेफिसिट, डेमोक्रेटिक डेफिसिट. इंडिया में जो है इसकी भरपूरता है. आई वुड से इट्स एन अबंडेंस हियर एंड दैट इज व्हाई इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द वे दीज आउटकम्स आर हैपनिंग. बिल्कुल शीतल, इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाते हुए अरविंद जी से पूछना चाहूंगा कि हम अगर इस पूरे आयोजन में देखें, G20 के बरक्स ही यहाँ पर जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, पूरी लोकतांत्रिक यात्रा है, उसे दर्शाया गया एग्जीबिशन के माध्यम से. साथ ही हस्तशिल्प कला जो भारत के प्राचीन काल से लगातार चली आ रही है, वो ट्राइब्स इंडिया का स्टॉल हो या फिर इसके अलावा खादी का हो, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से भी पूरी तरीके से कोशिश की गई सांस्कृतिक विरासत से रूबरू करवाने की जो हमारे विदेशी मेहमान हैं, साथ ही उन्हें ये दिखाने की कि भारत की जो लोकतांत्रिक यात्रा रही है, सिर्फ आज़ादी के बाद से नहीं बल्कि व्यवस्थाओं का स्वरूप बदलता गया, लेकिन जो लोकतांत्रिक यात्रा है वो कई हजार सालों से भारत में निरंतर जारी है. चाहे वो प्राचीन भारत में गणराज्यों की बात करें या फिर उसके बाद महाजनपद काल की बात करें, तो एक लंबी यात्रा को दर्शाया गया, दिखाया गया, जिससे मैं क्योंकि मैंने भी कई मेहमानों से बात की तो काफ़ी हतप्रभ लगे वो लोग और अचंभित थे इस पूरे घटनाक्रम को जान के कि किस तरीके से भारत की इतनी लंबी यात्रा रही है. जी या ये बिल्कुल ठीक कहा आपने. अधिकतर ऐसा देखा गया है कि ऐसे जब फंक्शंस होते हैं या ऐसे इवेंट्स जो होते हैं वो कुछ फॉर्मल मीटिंग्स वगैरह के बाद ख़त्म हो जाते हैं, जॉइंट स्टेटमेंट डिनर वगैरह होता है. लेकिन G20 और P20 दोनों समय पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं कि भारत की जो विविधता है, सांस्कृतिक विविधता जिसकी बात अभी चर्चा हुई, और जो हमारी एक इंडिया की डेमोक्रेसी में पहचान है, और जिसको कि अब प्रधानमंत्री ने बड़ा साफ शब्दों में कहा कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये हमारे ये जो इंडिया की छवि है ये अधिकतर लोगों को मालूम नहीं. तो भारत में, भारत आप जाएं विदेश में, लोग कहेंगे हाँ साहब यहाँ पे आवारा फिल्म चली थी और यहाँ स्नेक चार्मर्स हुआ करते थे, ठीक है, भारत का कुछ एक साधु होते हैं, योगा होते हैं, एक एक जो सीरियस रूप से वो भारत के लोगों को नहीं लोग जानते. लेकिन जब इस प्रकार पे इस तर्व इस लेवल के लोग जब आएंगे और देख रहे हैं कि भारत की विविधता क्या है और भारत की संस्कृति क्या है और कैसे डेमोक्रेसी भारत की इतनी स्ट्रांग है और जो कि इतनी पुरानी है, तो मुझे लगता है कि भारत की छवि और इमेज वर्ल्ड में और बेहतर होगी और एक सीरियस रूप में बेहतर होगी. अब देखिए ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि अब भारत एक फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है, और भारत ने G20 के माध्यम से वैश्विक वन अर्थ वन फ्यूचर और वन फैमिली का जो संदेश दिया है जो कि हमारी संस्कृति में रूटेड है, तो ये जब एक संदेश जाएगा तो भारत को लोग सीरियसली लेंगे, और जो भारत कह रहा है और जो भारत ने कितने इनिशिएटिव्स G20 और P20 के माध्यम से लिए हैं उसमें एक एक ग्रेविटास आएगी. और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि वैश्विक जटिलताएं इतनी ज्यादा हैं कि लोग भारत की तरफ देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारत एक नए इनिशिएटिव या एक नया नैरेटिव लेके आए, और उस नए इनिशिएटिव और नए नैरेटिव में कल्चर और संस्कृति इसका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है. आपने देखा होगा कि अभी जैसे 17 SDGs हैं, अब कोशिश ये की जा रही है कि एक कल्चर को एक न केवल एनेबलर बनाया जाए इन 17 SDGs का, बल्कि एक नया SDG जो सिर्फ कल्चर पर ही आधारित हो और उसको भी इंक्लूड किया जाए. तो इसमें भारत एक बहुत बड़ा योगदान कर सकता है, और भारत की जो टॉलरेंट और विविध और एक व्यापक संस्कृति है उसका जब एक अच्छी छवि बनेगी तो भारत की छवि और बढ़िया होगी. ऑल राइट, वी आर नाउ जॉइंड बाय आवर कॉरेस्पॉन्डेंट कृति मिश्रा फ्रॉम यशोभूमि द वेन्यू
Kriti, we've seen you reporting and anchoring in the pre-summit, then today, yesterday, and also before that. How has your experience been like? You've interacted with the delegates. You have seen all the occurrences there. Tell our viewers. Well, thank you so much, Sheetal. And of course, we've been covering India's G20 presidency very, very closely. And in September, when India held the G20 summit, the same exuberance we saw here in P20 summit as well. And as a reporter covering this very, very crucial event, there are big takeaways for me, for my country specifically. And if I could go on record, because we just had an interview with Sir Lindsay Hoyle, who's the speaker of the House of Commons in the UK. He said the massive improvement in infrastructure is something which is absolutely mesmerizing, is exactly what he said. He said that I've been here 10 years ago and now the kind of improvement that I see, he particularly mentioned about Yashobhumi, the kind of state of art structure that we have in place. Two, three other important things that most of the delegates and speakers and delegates while talking to us mentioned, of course, the Nari Shakti Vandan Adiniyam. They said that India has set an example for other parliaments of the world to ensure that there's greater representation of women in the arena of politics. Another very important thing, of course, that was there was the visit to our new parliament building. Again, another symbol of Atmanirbhar Bharat, where we say that we completely believe in our traditions and culture. We take pride in our culture, but we also embrace the modern ways of life. That is the perfect amalgamation. A lot of delegates mentioned about that also. Another important thing, that was Prime Minister's address. So two very specific points that most of the delegates talked about was that this is not the era of global mistrust. This is the era of global collaboration and cooperation. We have to dismantle all the barriers. We have to sow the seeds of collaboration. So that was another very important point. And of course, since long, India has been saying that there cannot be good terrorism and bad terrorism. We have to have a definitive definition of terrorism. That was another sense that was echoed across the countries here during the discussion. So of course, after the historic G20 summit, India was successful in hosting historic P20 summit as well. Back to you, Sheetal. Right, Kriti. And Dr. Sheetal, as Kriti very rightly pointed out and mentioned, and the Prime Minister has also spoken about it many times and this time too, that this is not the era of global mistrust. And we were talking about how India is gaining trust worldwide. So India can play a big role in actually extending it beyond its borders. Yeah, Sheetal, this is very right time for India to, play a very important role, significant role, because if you look at from a perspective of international relations and global politics, which has evolved over the years, and particularly the global order, see, the superpowers were always involved in either wars, Cold War, or something like that. You know, they were in contradiction with one another. Then after the fall of Berlin Wall, purportedly end of Cold War, there was another kind of tussle which did not let the world breathe easy. Mm-hmm. This was something, you want to be unipolar world and you are always fighting for military power, military might, muscle and all that. But India all through has always been, talking about peace, prosperity, collaboration, cooperation. And India has never ever been aggressive in that sense, that to flex its military muscle or arm, even in its neighborhood, even if in case we have very conflicting neighbors for that matter. So the time is ripe for India to assume a leadership role, because the present, the contemporary time necessitates, not just propagation of your interest, conflict or anything. Jo hum bar bar statement mein sun rahe hain ki ye samay विवाद का नहीं है, ये समय कॉन्फ्लिक्ट का नहीं है, ये समय कोलैबोरेट करने का है, और इंडिया के वैल्यू सिस्टम में, हमारे डीएनए में है ये कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, ट्रस्ट, आप जितने भी पॉजिटिव एडजेक्टिव्स यूज़ कीजिए, वो हमारी संस्कृति में है. एंड दीज कैन एक्चुअली हेल्प इंडिया टू गेट कैटापल्टेड टू अ स्टेटस ऑफ अ ग्लोबल लीडर. एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट. जी बिल्कुल, आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में हम किसी विशेष मुद्दे को लेकर आइसोलेशन में उसे नहीं रख सकते. मैं स्नेहा लता श्रीवास्तव जी से ये सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि लंबे समय तक आपने भारतीय संसद में सेवाएं दी हैं. भारतीय संसद में जो विदेशी मेहमान आए हैं, जो P20 के पीठासीन अधिकारी और संसदीय प्रमुख आए हैं, उन्हें वहाँ ले जाना और पूरी यात्रा को दिखाना, संसदीय यात्रा को, साथ ही जो पूरे मुद्दे थे इस पूरे मंथन के, हम SDG की बात करें, वुमेन डेवलपमेंट की बात करें, साथ ही हरित ऊर्जा की बात करें, ये सारे जो मसले हैं,
क्योंकि हमने सबसे पहले महिलाओं के हित से जुड़ा हुआ कानून संसद के नए भवन में पहला कानून जो पास हुआ वो महिलाओं के हित से जुड़ा हुआ था, जिसको लेकर काफ़ी तारीफ भी की, कई लोगों ने सराहना की जो डेलीगेट आए हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगा जो लोकतांत्रिक यात्रा को दिखाने के साथ ही जो आधुनिकतम तकनीक से सुसज्जित भवन है उसके बारे में बताना कितना अहम है, जो संसदीय प्रमुख आए हैं उनसे। जी बिल्कुल, देखिए हर देश की छवि मीडिया के माध्यम से या आपसी बातचीत के माध्यम से जो बाहर जाती है और उस में जिसने देखा भी नहीं है उस देश को, वो इस तरह की बातें सुनकर के एक अपना मन बना लेता है कि इस देश में क्या हो रहा होगा, इस देश की स्थिति क्या होगी। तो उस लिहाज से भी और इतना हमारे देश में जो विकास हुआ है और जो ये अभूतपूर्व संसद की नई बिल्डिंग बनी है जो आज की आवश्यकताओं के हिसाब से बनी है, जो ग्रीन बिल्डिंग है जिसमें डिजिटल कनेक्शंस और हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास में कंप्यूटर उनकी सीट पे और एक ऐसी जिसमें सारे लोग ठीक से बैठ सकें, क्योंकि जैसा आपको पता होगा कि जो पुरानी संसद है उसमें कई कई सांसदों को ऐसी जगह बैठना पड़ता था जहां पर कि उनके सामने एक पिलर आ रहा है तो उनका सीधे संवाद स्पीकर से होने में कठिनाई होती थी। तो ये सब आवश्यकताओं को देखते हुए नई संसद का जो निर्माण हुआ एक बहुत ही कम समय में इतनी सुंदर और इतनी विशाल चार मंजिला बिल्डिंग बनकर तैयार हुई, इसको हमारे जब विदेश के जो हमारे पार्लियामेंट के प्रतिनिधि स्पीकर्स और जो हाई डेलीगेट्स हैं वो देखेंगे तो हमारे देश की छवि जो पहले से ही काफी अच्छी है उसमें और भी चढ़ाव होगा। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जो ये पार्लियामेंट 20 की मीटिंग है इसका अवसर हमको, चूंकि हर साल एक कंट्री को ये दी जाएगी प्रेसिडेंसी, तो उस हिसाब से हमारे को ये अवसर मिला है, ये बहुत बड़ा अवसर है और हमने इसका जो उपयोग किया है मेरे ख्याल से भरपूर किया है। और जो हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जो यशो भूमि कन्वेंशन हॉल है इसकी आवश्यकता मैं समझ सकती हूँ क्योंकि जब मैं प्रशासन में रही हूँ तो मुझे मालूम है कि ऐसे किसी विशाल कॉन्फ्रेंस हॉल की आवश्यकता सालों से महसूस की जाती रही है और अब ये बनके तैयार है, ये भी एक रिकॉर्ड टाइम में बना और इतनी सुख सुविधाओं से युक्त है। तो ये सारी चीजों का शोकेसिंग करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण हमारे यहाँ के जो कार्य हम कर रहे हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, जैसे कि विमेन रिजर्वेशन बिल है या फिर डिजिटल इंडिया है। अब देखिए डिजिटल इंडिया में तो हमने चाइना और यूएस के बराबर इंडिया का जो पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन है वो हमारा उन दोनों को मिला करके उनसे ज़्यादा है और 41% हमारे जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो रियल टाइम ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो ये देखिए जो हमारे यूज़र हैं वो 2018 में जो थे उससे बढ़कर के उनकी संख्या करीब 48 बिलियन हो गई, पहले 8.4 बिलियन थी अब 48 बिलियन उसमें हो गई है। तो ये सारी चीज़ें जब हम बताते हैं तो बताने के साथ जब हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाते हैं तो लोगों को विश्वास होता है कि इनके पास व्यय विदौल है ये सब काम करने के लिए और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से जो प्रोग्रेस हो रही है वो वास्तविक हो रही है और ऐसा नहीं है कि केवल हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो इस तरह के जो कॉन्फ्रेंसेस हैं जितना जल्दी और जितना बार बार होंगे हमारे देश में जो हम शोकेस और जो हम अपनी छवि बराबर दिखाना चाहते हैं और जो करना चाहते हैं उसका प्रचार प्रसार बहुत अच्छी तरह से होगा। और लोकतंत्र के बारे में चूंकि हमारे यहाँ 140 करोड़ की जनसंख्या है और इसलिए कई तरह की आवाजें जरूर उठती हैं, पर मैं समझ सकती हूँ कि हमारे देश में जो काम होता है जो हमारे जो
जो जो पार्टी इन पावर है और जो हमारे अधिकारी गण हैं और जो हमारा स्टाफ है वो जितना काम करता है, जैसे कि हम रेलवेज में कहते हैं कि पर डे हम एक पूरे ऑस्ट्रेलिया को कैरी करते हैं अपनी अपनी ट्रेनों में, तो इस तरह की जो हमारी कैपेबिलिटी है उसका अंदाजा हम तब लगा पाते हैं जब हम यहाँ खुद आके देखते हैं। हम लोग तो रोज देखते हैं तो हमको ये ऐसा कुछ अलग से नहीं दिखता है, पर जब इनके देश में जाके हम लोग देखते हैं तो हमको लगता है कि हम लोग जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं वो पर डे कितने पेशेंट्स देखते हैं, जबकि जो विकसित देश हैं उनमें उनकी संख्या लिमिटेड होती है। तो अब दिन में 30 पेशेंट देखना और दिन में 300 पेशेंट या उस जरूरतों के हिसाब से देखना, ये एक बहुत बड़ा हमारा योगदान होता है और इसको हम भूलना नहीं चाहिए, और हमें इनको इनको देखने से इनका भी विश्वास हमारी जो संस्थाएं हैं और हमारी जो क्रियान्वयन की जो हमारी कैपेबिलिटी है उस पे विश्वास बढ़ता है। मैडम स्नेहलता, आपने बात की विकासशील और विकसित देशों की, एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव डिराइव्ड फ्रॉम दैट। डॉक्टर शीतल, फ्रॉम इंडोनेशिया द लास्ट होस्ट टू इंडिया द करंट होस्ट टू ब्राजील द नेक्स्ट होस्ट, इट्स अ कंटिन्यूस ट्रांजिशन बिकॉज ऑल थ्री बिलोंग टू द डेवलपिंग वर्ल्ड, so does that give impetus to the mission? Very does that help? Yeah, it helps, because one important thing that we see in this continuity is that all these three belong to the developing world. And why it is important that this remains continuous, the reason is that when it goes to developed countries, because we are talking about SDGs, time and again we are focusing upon climate change, energy, women-led development and digital transformation. Yes, of course, digital transformation is there for all, but some of the issues pertaining to sustainable development goals like malnutrition, food security, energy efficiency, climate change and all these things, here the developed countries have gone up to a certain level of benchmark standards. So few things do not matter to them as much as they matter to the developing countries. Say for example, chota sa bhi climate change, jalvayu parivartan ka koi mudda hota hai, to wo developing countries ko jyada affect karega banisbat aap viksit deshon ke. Exactly. Ab isme kya hai ki agar aise mein presidency ya jo zeal, jo momentum yahan sar nikal kar aaya hai, yadi it lands into the hands of any developed country presidency or something like that, it may lose the fizz. उसमें से जो वो जो उसका शक्ति है वो कहीं ना कहीं क्षीण हो जाएगी। तभी ये बहुत मुख्य है कि इसमें निरंतरता रहेगी, और ये नहीं है कि डेवलप कंट्रीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन दीज, दे हैव अचीव्ड सर्टेन लेवल ऑफ कंप्लेसेंसी इन दीज एरियाज। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस बीइंग रोटेशन मूविंग टू अनदर डेवलपिंग कंट्री, एंड येस ब्राजील इज द पार्ट ऑफ द लैटिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट नाउ from Asia it moves to South Asia and to Latin America, and we never know then to Africa, because Africa is a part yes and then this will be a kind of a voice of the global south which get represented. Aur kuch bhi jo 3 varsh se lagatar jis pe agar emphasis ho jayega to wo kahin na kahin concrete nikal kar aayega, shayad saal mein aap wo cheeze na establish kar paye as goal, but 3 saal mein aap zarur kar payenge, aur isiliye in my opinion I think this continuity is very you know very, good very in the sense in that sense significant for the developing countries. Ji hamare sath yasho bhumi se jude hue hain hamare sath hi surendra, agenda se alag तमाम अन्य विषयों पर भी चर्चा होती है, द्विपक्षीय चर्चा और बहुपक्षीय संवाद हुआ, तो आप किस तरीके से जो एजेंडा से इतर चर्चा हुई, काफ़ी जियोपॉलिटिकल मुद्दों पर भी चर्चा हुई, वो उसे कितना अहम मानते हैं, और जिन सदस्यों से आपकी बातचीत हुई, जो प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने क्या कुछ बताया? तो ब्राज़ील ने उस चर्चा को शुरुआत की है जो अभी उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे को लेकर इस कार्यक्रम उसकी शुरुआत की है, कि ये उन्होंने फिलिस्तीन वाले मामले पे बोला और इसको लेके गाज़ा पे जो ये अटैक को लेके उन्होंने बोला, इसराइल पे जो अटैक हुए हैं उसको लेके उन्होंने बोला, क्योंकि जो P20 की शुरुआत हुई थी PM ने उसमें शुरुआत में ही कहा था आतंकवाद को लेके सभी देशों को एक साथ आना होगा, तो PM की जो बोलने की जो शुरुआत थी वो इस कार्यक्रम को लेके थी, और इसकी जो शुरुआत है P20 की जब अध्यक्षता ब्राज़ील को सौंपी जा रही है वहाँ भी इसी विषय। हम शीतल जी से अगला सवाल पूछना चाहेंगे, आपको रोकना होगा। शीतल जी, कितना अहम आप मानती हैं जो कि
जो एजेंडा में सवाल होते हैं, एजेंडा जो मंथन होता है, इससे इतर जो चर्चाएं होती हैं, जैसे हाल ही में जो जियोपॉलिटिकल मुद्दे हैं, जो घटनाएं हैं, उन पर चर्चा और मंथन और आम सहमति बनाना, ये कितना महत्वपूर्ण होता है इस ऐसे P20 सम्मेलन में खास तौर पर? विक्रम, देखिए, समिट के साथ साथ जो होता है कई साइडलाइन मीटिंग्स भी चलती रहती हैं, उसमें द्विपक्षीय भी होती हैं, थ्री ट्राइलैटरल्स भी चलती रहती हैं, मल्टीलैटरल फोरम तो है ही. अब इंटरेस्टिंग, G20 का क्या इंटरेस्टिंग है मैं आपको बताऊं. कई लोग ये कहते हैं कि G20 बाकी फोरम से कैसे अलग है, कोई कहता है ये NAM से कैसे अलग है, या आप इसे ब्रिक्स से कैसे अलग मान रहे हैं, किस तरह. तो आप किसी भी अदर देन द G20 आप किसी भी मल्टीलैटरल फोरम की कंपोजिशन को देखते हैं, तो यू विल फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग यू नो एलिमेंट इन दैट दे आर फॉर एन एजेंडा. एक ऐसा एजेंडा जो कि शायद किसी को काउंटर करने के लिए है. कहीं ना कहीं कोई ऐसा एलिमेंट है विच इज सीन इन ऑपोजिशन टू दिस ब्लॉक एंड देन दिस कम्स इन टू एग्जिस्टेंस. तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक एलिमेंट होता है, उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट बेस्ड होता है. G20 येस ऑफकोर्स इंटरेस्ट है, बट एक तो ये बहुत रिप्रेजेंटेटिव है. कम था तो अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने से बहुत अच्छा हो गया. और यूनियन का भी एक है जिसपे चर्चा की जा सकती है कि कंट्री क्यों नहीं, यूनियन का क्या फायदा होता है, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी. नाउ जब आप बात करते हैं कि G20 की जो कंपोजिशन है, व्हाट्स द कॉन्फ़िगरेशन, ये किसी के अगेंस्ट नहीं है, देयर इज नो अदर देन द ग्रुपिंग इटसेल्फ. और इसमें जो विषय है, चर्चा के विषय हैं, वो डेवलपमेंट के हैं, वो गोल्स के हैं. तो कुछ कंट्री जो इसके डायरेक्ट मेंबर ना हो, वो इसमें शामिल होते हैं एज इनवाइटेड कंट्रीज, एज गेस्ट कंट्रीज, और उनके साथ भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं. अछूती तो उनसे भी मॉडर्निटी नहीं है, विषय तो उनके पास भी सारे ही हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल ट्रांजिशन, वुमेन लेड डेवलपमेंट. तो वहाँ पे मॉडल्स, रोल मॉडल्स, आप उनके बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल्स से सीखते हैं. जैसे इंडिया से कितना कुछ सीख कर जा रहे हैं लोग, डिजिटल पेमेंट से मैकेनिज्म जो एक मुद्दा था, बिल्कुल. साथ में आपका आजकल जो ई मेडिकल शुरू हुआ है इंडिया एजुकेशन के सेक्टर में, तो यहाँ से बहुत से ऐसे करार होते हैं, बहुत से ऐसे समझौते होते हैं, बहुत से ऐसे नेटवर्क्स, ऐसे कॉन्टैक्ट्स बनते हैं जहाँ पे हर लेवल पे आप इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल से लेके आपके जैसे पत्रकार हैं पूरा कवर करते हैं, ये दूसरे कंट्रीज़ के स्टोरीज़ को मैच करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, इस इंडिविजुअल लेवल से लेके ग्लोबल तक इतने लेवल हैं, इतनी इकाइयां हैं, इतने तरीके हैं जिनमें आप नेटवर्किंग करते हैं, एंड यू ऑलवेज कम आउट विद समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विच इज़ अगेन अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन. राइट राइट. लेट्स गो अक्रॉस टू अरविंद गुप्ता जी. अरविंद जी, एज आई वाज डिस्कसिंग विद डॉक्टर शीतल, फ्रॉम इंडोनेशिया टू इंडिया टू ब्राज़ील एंड ऑल्सो द इंक्लूजन ऑफ अफ्रीकन यूनियन इन G20, डू यू सी दिस हेल्पिंग द कॉज ऑफ एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? Yes, it does. As you know, Prime Minister Modi took the unprecedented initiative of convening a virtual meeting of 120 heads of state, governments, etc., before the G20 summit to bring the global south into the picture. And the inclusion of Africa Union will also strengthen the voice of global south. And today, if you look at the SDGs and you see that the most affected people or most affected countries are the global south countries. So now we have an unprecedented opportunity of strengthening the global south voice in G20. And I'm glad that many developed countries and who are also members of the G20 are taking note of this. And they are themselves are saying that if the issues pertaining to global south, if they are not taken on board, then the G7 itself might become quite irrelevant. So I think that's a great contribution that India has made by making global south as the prominent voice in G20. I think in the future, no country, even after Brazil and South Africa, even the developed countries, when the presidency goes to them, they cannot ignore the voice of global south, because everybody has seen, when you say Vasudev Kutumbakam, the world is one, the peace is indivisible. And if you do not implement SDGs, if you do not end poverty, if you do not take action on climate change, etc., this is going to impact everyone, including the developed countries. So I think that is beginning to happen. But the problem today is that multilateralism, unfortunately, is in deep crisis. And the ability of the world to deal with difficult issues, whether it is Russia-Ukraine war, or whether it is now the latest Hamas terror attack,
The ability of the world to deal with these issues is dwindling very fast. And one hopes that G20 and P20, where the world's leaders are represented and the parliamentarians are represented, and a whole lot of network of others who are represented, these voices will be strengthened and we will have something positive coming out of it. And it is absolutely essential that P20, G20, and even others, even regional organizations like the BRICS or the Shanghai Cooperation Organization or other organizations, maybe AU and the Latin America also, they all put this pressure on the developed countries to do something, because ultimately it is in the end the question of resources, and the resources are simply not coming. For instance, the UN Secretary General has said that we need to mobilize something like $500 billion every year if we have to be on course for the implementation of the SDGs. That is not coming. The COP, the climate change, the Paris Agreement, etc., there is this requirement of $100 billion per year mobilization to meet the emission targets, etc. That is not happening. In fact, all these are very small amounts, in fact. And today, the challenge before us is how to mobilize these resources. And here, the multilateral development banks, they are going to play a big role. And they have to be told, and they have to be pressurized, they have to be cajoled to organize and mobilize these resources, including from the governments, but also from the public, from the, from the private sector. And this is a big challenge. And I think the UN, this has been discussed at G20, P20, these things have been discussed. But one hopes that something comes out of it. All right, sir. जी चलते चलते शीतल जी आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा ग्रीन एनर्जी पर, ख़ास तौर पर जिस तरीके से इनपुट आए हैं पूरे सम्मेलन के दौरान, ये जो संसदीय प्रमुख अपने अपने देशों में जाएंगे तो कितना मदद मिलेगी उन इनपुट से जो नीति निर्माता हैं उन्हें, और उन्हें एग्जीक्यूट करने में ख़ास तौर पर? विक्रम, इसमें दो तीन डायमेंशन की मैं चर्चा करना चाहूँगी। सबसे पहले तो कि P20 पार्लियामेंटेरियंस जो यहाँ पर डिस्कस करके जाते हैं, ये एक विजन लेकर जाते हैं। विजन तो G20 में ही सेट हो जाता है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि विजन को कैसे आप एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। नाउ व्हाट आर पार्लियामेंट्स? पार्लियामेंट्स आर टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसीज, मैं ये कहूँगी इसको बहुत उससे कहूँगी, क्योंकि हम एक सबसे प्राचीनतम डेमोक्रेसी के नागरिक हैं। सो पार्लियामेंट्स आर टेम्पल्स ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ पर जो निर्णय लिए जाते हैं, जैसे आप कह रहे लेजिस्लेशन बनेगी, तो इस लेजिस्लेशन ये बाकी लेजिस्लेशन से कैसे डिफरेंट है, ये प्रतिनिधित्व करेगी उन कम्युनिटीज़ का कि अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं, मान लीजिए आप कोई एमिशन कट करने के लिए कोई ड्रास्टिक स्टेप उठाते हैं, तो क्या ये स्टेप आपके किसी समुदाय विशेष के अगेंस्ट है? समुदाय से मेरा मतलब है कोई ट्राइब या कोई पर्टिकुलर एरिया, कोई लोकेशन, किसी रीजन, क्या ये किसी और के हितों को नकारता हुआ आपकी डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है? तो यहाँ पे लेजिस्लेशन में बहुत मुख्य है कि जैसे पार्लियामेंटेरियंस बैठते हैं, वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो जरूर ध्यान रखते हैं कि किस तरीके से बनेगा। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, जो प्रधानमंत्री जी भी कई बार कहते हैं कि ग्लोबल जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लोकल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। मैं इसको उल्टे से भी कहना चाहूँगी कि जो ग्लोबल सॉल्यूशंस वो लोकल प्रॉब्लम्स के लिए नहीं है, जो लोकल सॉल्यूशंस हैं वो ग्लोबल प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस कर सकते हैं। तो ये क्या है, टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच है। आप लोकल कहीं कहीं सीमित ऐसे ऐसे इरिगेशन के पैटर्न्स हैं, ऐसे वाटर क्लीनिंग के एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप ग्लोबली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अफ्रीकन यूनियन, एशियन कंट्रीज, ग्लोबल साउथ के जो मेंबर्स हैं, दे आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम अफेक्टेड बाय ऑल दीज थिंग्स। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चर्चाएं जब अपने अपने रिस्पेक्टिव देशों में जाएंगी, जहाँ पार्लियामेंटेरियंस जो जाकर बात करेंगे कि अच्छा ये हमारा विजन था, इसको हम कैसे कार्यान्वित करें, तो इससे किसका भला होगा, कितना होगा, ये बहुत चर्चा के विषय होते हैं। और इसमें दो तीन चीज़ लास्ट में मैं ऐड करना चाहूँगी कि ट्रांजिशन इतना आसान भी नहीं होता है कि आपने आज सोच लिया कल होगा, कि पहले जैसे ही हम जानते हैं कि फंडिंग की बहुत कमी है, फाइनेंस की बहुत कमी है, इसमें पॉलिटिकल विल होती है, कोएलिशन पार्टीज़ जो होती हैं वो आपको दूसरी डायरेक्शंस में पुल करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मैटर होते हैं, आपकी एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म टू दीज थिंग्स एज क्विकली, कल्चरल इश्यूज़ भी होते हैं कि लोग इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो बहुत से इन चीज़ों को, इन हर्डल्स को ध्यान में रखते हुए एक साझा सहमति अपने देश में भी बनाने की ज़रूरत है अपनी कम्युनिटीज़ के साथ, कि क्या हम इस दिशा की तरफ जा रहे हैं,
तो कितना जनमत लेकर जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. थैंक यू डॉक्टर शीतल, अरविंद जी एंड स्नेहलता जी फॉर ज्वाइनिंग अस. वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर. कीप वॉचिंग संसद टीवी.